बात हल्द्वानी की करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम स्थल का जायजा लेकर केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट हल्द्वानी पहुंची। उन्होंने कहा कि वह आदि कैलाशा गुंजी पिथौरागढ़ और जागेश्वर क्षेत्र से आ रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां चल रही है। उन्होंने बॉर्डर इलाके में भी भ्रमण किया, लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को के दौरे को लेकर उन्होंने बताया कि खासा उत्साह जनता में देखा जा रहा है। पहली बार कोई प्रधानमंत्री आदि कैलाशा के दौरे पर आ रहे हैं, लिहाजा इसका फायदा पूरे कुमाऊं मंडल को मिलेगा। साथ ही पर्यटन और तीर्थाटन को भी बढ़ावा मिलेगा। पूरे उत्तराखंड में खुशी की लहर है और बॉर्डर एरिया के लोग, पिथौरागढ़ जिले के लोग, सभी लोग पलक पावड़े बिछाकर प्रधानमंत्री जी का इंतज़ार कर रहे हैं। मैं खुद बॉर्डर इलाकों से आया हूं, देख के पहली बार इस तरह से माननीय प्रधानमंत्री पहले व्यक्ति होंगे जो आदि कैलाश तक जाएंगे। कभी कोई प्रधानमंत्री आज तक नहीं पहुंचे हैं। तब तो जो ऐसा कह रहे हैं उनको अपनी सरकारी गाड़ी सबसे पहले छोड़ देनी चाहिए, पैदल ही चलना चाहिए। भाई अगर माननीय प्रधानमंत्री देश के कहीं जाएंगे, जो कभी नहीं गया आज तक प्रधानमंत्री, कोई प्रधानमंत्री नहीं गए इतने दूर बॉर्डर इलाके में, तो इसमें नाराजगी क्या बात है? क्या पैदल जाएंगे? मुझे बताइए, क्या हिमालय में पैदल चढ़ेंगे? जो सिस्टम है उस सिस्टम में ऐसे सवाल उठाना, स्वागत के बजाय ऐसा कह के भ्रम फैलाना, ये बहुत अच्छी टैक्टिस कांग्रेस की और विपक्ष की नहीं है। इसीलिए रसातल को भी जा रहे हैं।